रानी दी है कि आज दी जड़ी बैठक सी ओ महंगाई दे खिलाफ हल्ला बोल जड़ी साड़ी रैली रामलीला मैदान दे विच 4 तरीक नू होण जा रही है और ये मतलब चर्चावां रही हैं और किस तरह उत्थे पहुंचना असी लोगों ने वो चर्चा रही और तमाम साथियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालदे होया असी 3 तरीक नू रात नू इत्थों जिहड़े लोग है वो चलणगे वख-वख विधानसभा चों बसिस दे राही वहीकल्स दे राही जिवें जिवें कन्वीनियंट होगा कोई ट्रेन ते जाना चाहूगा लेकिन असी तमाम लोग उत्थे पहुंचांगे और अगले दिन 11 बजे रामलीला मैदान दे विच शमूलियत होगी और मैनू लगता है कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग जिहड़े आ पंजाब तों उस रैली शमूलियत करनगे लख 1.5 लख व्यक्ति पूरे देश चों क्योंकि महंगाई हरेक वर्ग का मुद्दा है और अज का अहम मुद्दा महंगाई है सो और असी चर्चा करांगे आपकी गल रखांगे और सरकार को घेरांगे ये तमाम चर्चा रही होर भी एक दो मुद्दे सीगे इनडिसिप्लिन का गल रही और किस तरह अगले समय दे विच असी आने वाले समय च लड़ाई लड़नी है की होना चाहिए वो तमाम मुद्दों पर चर्चा रह के मीटिंग का रूप ये होया कि एक तो असी सारे ने उत्थे जाना है दूसरा रैली च जाना है दूसरा जिहड़ी 8 तरीक नूं भारत जोड़ो जिहड़ी यात्रा है वो राहुल गांधी शुरू करन लगे है तो असी भी 8 तरीक नूं सुबह 8 बजे हरेक ब्लॉक दे विच 5 से 10 किलोमीटर की एक यात्रा दे रूप दे विच हर ब्लॉक दे विच कढ़ांगे ता जो उहदी शुरुआत हर ब्लॉक चों होवे फिर मेरा ख्याल जनवरी दे महीने च वो यात्रा 13 दिन वास्ते पंजाब दे विच अंबाला तो हुंदी होई वो यात्रा असी वाया पठानकोट होंदे हो जम्मू कश्मीर दे विच उहदा समापत जिहड़ा होएगा वो होएगा सो वो तमाम चर्चा मारे सूची नहीं ये चर्चा हुई मैडम परनीत कौर की भी चर्चा रही कि किदा वह मैं क्या ऑलरेडी मैडम परनीत कौर जी साड़ी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है ये मैं पहला भी क्लीयर कर चुके हैं कुछ लोगों ने कहा कि उसकी चिट्ठी कर दी जाए बकायदा तौर पर CLP ते तमाम लीडर साहबाना ने यह सहमति जताई है कि आप चिट्ठी भी कर दी जाए तो दिल्ली में भी उसकी इतलाह दे दी जाए मैं दोबारा फिर थोड़े माध्यम नाल कहना चाहना कि मैडम परनीत कौर जी साडे कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं हैं बेशक कोई एवें कहता रहे आपके मन च लेकिन शी इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी सो संदीप जाखड़ ते कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया गया हजे तक लेकिन ये गल तय है कि संदीप जाखड़ जी जिथे तिरंगा झंडा जिन्हों के घर पर लहरा तिरंगा झंडा की थान पर कांग्रेस के झंडे की थान पर BJP का झंडा लहरा रहा है उस घर के संदीप जाखड़ जी रह रहे हैं और मैं लगता कि संदीप जाखड़ जी भी अजक जिस तरह उन्होंने हर घर पर तिरंगा मुहिम विधी क्योंकि असी तो तिरंगा यात्रा की वो भी BJP दी जिहड़ी बोली बोलते असी उन्होंने हमेशा ये गल कहने हैं कि कृपा करके तुसी अगर BJP का दामन सामना तुसी संभालना ही है तो उन्होंने जल्द संभाल लिया जाए वार वार असी कहने कि जो जाना ही है BJP दे विच फिर अस्तीफा दिता जाए तो दोबारा चुनाव लड़िया जाए असी उड़ीक रहे हैं कि वह खुद ब खुद जान ते दोबारा इलेक्शन होवे ता जो हर एक नूं अपनी जोर का पता लग जाए लेकिन वो उड़ीक रहे कि सानू जल्दी कढ़ दिता जाए जे कढ़ दिता जाएगा तो फिर मैं कहूँगा कि मैनू तां कढ़ दिता गया मेरे ते कानून लागू नहीं हुंदा इस करके बाय इलेक्शन तो डर दे मारे बचन दे मारे वो पार्टी च हैगे अदरवाइज वह BJP की पूर्ण विचारधारा दे विच जुड़ चुके है और उन्होंने BJP का जिहड़ा झंडा आपके घर से लहराता है देखो इस गल च दो राय नहीं खुद तो पहले दिन तो समा लोग कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी का ना हटाई जाती तो शायद सिद्धू मूसेवाला साढ़े विचकार होंगे अच्छ इस गल तो सब लोगों ने देखा क्योंकि वो
ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਬਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਜ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਣੀ ਬਲਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸਕਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਰਨੇ ਇਸ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣੇ ਕੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ।